अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग मास्टर अज़र। मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। सिलाई मशीन की मोटर की स्पीड बहुत स्लो है, या उसके आपने कार्बन चेंज करने हैं तो उसको कैसे चेंज करना होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। ये देखें, सिलाई मशीन की मोटर है मेरे पास, ये बिल्कुल स्लो चल रही है लेकिन बिल्कुल स्लो है, इसकी स्पीड नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे जी स्टार्टर के। स्टार्टर में तो कोई मसला नहीं है, उधर से इसकी स्पीड जो है ना फुल है, ठीक है। तो ये स्टार्टर हमारा जो क्लियर हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है। तो जी आगे आगे जी मोटर के कार्बन, ये इसके ऊपर दो पेच लगे होते हैं, ये देखे नाज़रीन आपको नज़र आ रहा है। ये पेच मैंने खोल लिया और यहाँ से हमने निकाल लेना है इस कार्बन इसका। ये कार्बन आप गौर करेंगे यहाँ पे चल चल के बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये देखें। अब दूसरी साइड वाला भी हम निकाल लेंगे, ये देखें नाज़रीन। बस वीडियो को पूरा वॉच करना है आपने, ये देखें नाज़रीन दूसरा भी निकाल लिया मैंने। तो अब मैं इसके अंदर नया डालूँगा कार्बन। अब नया और पुराने में फ़र्क क्या है, फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। ये जो नया वाला है कार्बन, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें नाज़रीन नए वाला। ये नए वाला जो है ना लंबा, और जो पुराने वाला है जो चल चल के घस गया है वो छोटा हो गया। ये देख लें कितना बड़ा है, और ये देख लें ये तो ख़त्म हो गया, सिर्फ स्प्रिंग ही नज़र आ रहा है, ये देख। अब हम इसको उसी तरह आराम से पकड़ के इसके अंदर डाल देंगे, ये देखिए नाज़रीन। इसके ऊपर इसका जो पेच मैंने खोला था उसको लगाएंगे, ये देखिए नाज़रीन इसका पेच लग गया जनाब। तो इसको हमने थोड़ा सा टाइट कर देना। और यहाँ पे एक बात आपको बताता जाऊँ, ये पेच लूज़ नहीं रखने आप लोगों ने। इसी तरह हमने दूसरी साइड वाला भी कार्बन डाल के उसका पेच ऊपर से टाइट कर देना है। अगर लूज़ होंगे तो मोटर शार्ट होने का ज़्यादा खदशा होता है। तो अब आपको मैं चला के दिखाता हूँ जी, ये देखें नाज़रीन। अब हम दोबारा इसको देखते हैं कि कार्बन चेंज करके कितना फ़र्क बना है, ये देखें नाज़रीन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब देखें नाज़रीन स्पीड कितनी हमारी तेज़ हो गई है, आगे से बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है मोटर। तो इसमें हम मोटर किसी रिपेयरिंग मास्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग मास्टर अज़र सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।